आप सबको प्रणाम करता हूँ। एक सच्चा व्यंगकार किसी के बाप को नहीं छोड़ता और व्यंग लिखने पे आ जाए तो अपने आप को नहीं छोड़ता। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। कवियों में बड़ी एक कमजोरी होती है, श्रोता मिला के कविता पेल दे। ढूंढते रहते हम श्रोता, जहाँ मिले कविता सुना दे। और उसके लिए हम कई उपाय काम में लाते हैं। एक कवि ने तो एक बच्चा चुराया, अच्छा, और फिर पत्र भिजवाया, आपका बच्चा हमारे पास सकुशल कैद है। बच्चे की रिहाई के लिए आज रात मेरी कविता सुनने कवि सम्मेलन में आना पड़ेगा। बहुत अच्छे। कवि सम्मेलन के बाद बच्चा घर लौटा देंगे। खबरदार, जो पुलिस की मदद ली तो बच्चे को 40 कविता सुना देंगे। श्रोता तलाशते रहते हैं। अभी मकर संक्रांति पे तो हमारे कवि मित्र अपने पतंग पे मुक्तक लगा के उड़ाता है, किसके बाप की ताकत नहीं काटने का। एक दो ने उसकी पतंग काटी, मुक्तक पड़ा, पतंगबाजी छोड़ दी। और यह रचना मैं आपको सुना रहा हूँ, कवि नियोजन, और यह रचना मैं शैलेश जी को समर्पित कर रहा हूँ। जी, जब आदमी का दिमाग आधा खराब हो जाता तब वो कविता लिखता है। और दिमाग पूरा खराब हो जाता तब वो कवि सम्मेलन भराता है। उस दिन हमारे ऑफिस में परिवार नियोजन सप्ताह मनाने की बातें चालू थी। अचानक मेरा दिमाग, जो हमेशा आधा खराब रहता है, उस दिन पूरा हो गया। मेरे से मुंह से निकला, एक कवि सम्मेलन रख लो। ऑफिसर बोले, पैसे बहुत लगते हैं तो मैं बोला, लोकल कवि सम्मेलन रख लो। बेचारे लोकल कवि तो चाय पीकर ही कविता सुना दे। साहब, मैंने दूसरे दिन अखबार में छपा दिया कि आज 9 बजे परिवार नियोजन का कवि सम्मेलन होने वाला है। मैं समझा कि हजारों की संख्या में पब्लिक आएंगी तो परिवार नियोजन का प्रचार होएगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा। पर वहाँ सिर्फ 250 आदमी आए थे। मैं माइक पे अनाउंस किया, जो कवि इधर उधर बैठा है कृपया मंच पर आओ। मेरा इतना बोलना था, 250 में से 225 आदमी उठे मंच की ओर भागे। 225 आदमी उठ के मंच की ओर भागे। मंच पे बैठने को झगड़बाल आ गए। सामने 10-15 श्रोता बैठे थे। मैं दिल में बोला, इससे तो आपा श्रोता सम्मेलन भराता तो ज्यादा फायदे में रहता। मैंने उनसे कहा, मैं इतने कवियों से कविता नहीं पढ़ा सकता, तुम अपना नाम लिखकर दे दो, मैं लॉटरी सिस्टम से 15 नाम निकालूंगा। कवियों की पर्चियां आ गई, मैं उसको गिना तो 1325 भरी। मैं बोला, परिवार नियोजन का कवि सम्मेलन और नए कवि पैदा हो रहे हैं। तब मेरे मित्र ने बोला, ऐसी बात नहीं है, एक एक कवि ने अलग अलग नाम से 10-10 चिट्ठी डाली है कि कहीं ना कहीं नंबर लगे। जब मैंने 15 नाम निकाले तो वो कवि तो खुश होके भांगड़ा डांस करने लगे। बाकी का कवि मेरा गला पकड़ लिया, बोले, तुमने बुलाया है तो कम से कम तुमको तो सुनना ही पड़ेगा। बोला, ठीक है भैया, सुनाओ, पर तुम मंच पे नहीं माओगा, नीचे लाइन लगाओ। देखते देखते कवियों की लाइन लग गई। मैंने उनको डायरेक्ट बोला, कोई भी कवि 1 मिनट के ऊपर कविता नहीं कहेगा। और उनको कहा, भाई साहब, मैंने 15-20 चाय पान के पैसे सेंक्शन करवाए हैं, तो तुम चाहो तो एक एक घूंट चाय की पी लो, नहीं तो तुम्हारे हिसाब से 80-80 पैसे नकदी ले लो। 80-80 पैसे। कवि बोले, कुछ नहीं चाहिए, पर तुमने टाइम 1 मिनट रखा है, उसको बढ़ा दो। मैं बोला, टाइम बढ़ाऊंगा तो ये कवि सम्मेलन 15 दिन तक चलेगा। मैंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी, 1 मिनट के ऊपर कविता नहीं होगी। तो मैंने अध्यक्ष के पास एक घंटी बुलाकर रखी और कहा, 1 मिनट हो जाए तो घंटी बजा देना। और कवियों से कहा, घंटी बजते बराबर माइक छोड़ देना। उतने में एक कवि आया, सबके पहले तो घंटी उठा के जेब में रखी। और बोला, मेरी कविता का शीर्षक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तब मैंने चपरासी को कहा, देख, अब कवि सम्मेलन पूरा फॉरम पे आ गया, अब घंटी से काम नहीं चलेगा, तू दूर खड़े होके घंटों बजाया कर। वो बेचारा इतना घंटा बजाया कि फायर ब्रिगेड की मोटर आ गई, पर कवि माइक नहीं छोड़ा।
तब मजबूरी में मैंने दो पहलवान को बुलाया, बोला पहलवान जी घंटा बजने के बाद कभी माइक छोड़ देवे तो ठीक, वरना उनको उठा के मंच के बाहर फेंक देना। मैं तुमको फी कभी 5 रुपया देऊंगा। तो एक कवि पहलवान बोला, पहलवान मेरे को मत फेंकना, मैं 50 रुपया देऊंगा। बहुत अच्छे। पर पहलवान मेरी बात माने, उसके दो कारण थे, एक तो मेरा सौदा थोक का था, दूसरे पहलवान को भरोसा नहीं आ रहा था कि कवि और 50 रुपये। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। बड़ी मुश्किल से हम 15-20 कवि को उठा के बाहर फेंके, पर मैं देखा लाइन उतनी की उतनी, क्योंकि जिस कवि को उठाकर बाहर फेंकते वो दौड़ के फिर से लाइन लग जाता। तब मैंने चपरासी को कहा, तू पिछले हिस्से में खड़ा रहे और ख्याल रख, जो शक्ल तुझे एक बार माइक पर दिखे वो शक्ल लाइन में नहीं आनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि एक दाढ़ी वाला कवि आया, कविता बोली, मंच के नीचे जाकर अपनी दाढ़ी ने काट के फेंक दी और लाइन में लग गया। क्या बात है। दूसरा कवि आया, कविता बोली, उस कतरे में दाढ़ी को चिपकाया और लाइन में लग गया। क्या बात है। मैं समझ गया लाइन में कुछ न कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक। मैं लाइन की चेकिंग करने गया तो क्या देखता हूँ, उस लाइन में 4-5 बच्चे 6-7 साल के भी खड़े थे। मैंने एक बच्चे से बोला, क्यों रे तुम भी इस कच्ची उम्र में कविता लिखते हो? बोले, नहीं हम ऐसा गंदा काम नहीं करते। कविता तो हमारे अंकल लिखते हैं, पर वो चाय पीने को बाहर गए तो नंबर लगाने के लिए हमको बैठा। इसीलिए मैं छोकम कविता बहुत कम कविता सुनाता हूँ, और इसके पहले आप पहलवान को बुलाए मैं घर जाता हूँ। क्या बात है। खाने पीने के बड़े शौकीन है लोग, खाने पीने के मामले में कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहता इनका। चाय के साथ केला, दूध के साथ अमरूद, देसी दारू के साथ जलेबी, और मजे की बात ये इनका पेट भी खराब नहीं होता। किसी से आवाज दे के पूछो, इतना बेटा कहाँ से आ रहा है? खाना खा के आ रहा हूँ पाजी। जा कहाँ रहा है? खाना खाने जा रहा हूँ पाजी। शाम को क्या करेगा? शाम को भी खाना ही खाऊंगा पाजी। और रात को क्या करेगा? अब सो जाऊंगा, सारा दिन खाना थोड़ी खाता रहूंगा। खाने पीने के तो शौकीन है ही, हंसने हंसाने के बड़े शौकीन है। उनकी हंसने हंसाने की आदत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हंसी हंसी में सिद्धू पाजी को अमृतसर कैंपी बना दिया। अच्छा, हमारे ऐसे पड़ोसी, हमारे शमशेर जी, उनकी लड़की को देखने आ गए, लड़का अकेला ही आ गया। जी सत श्री अकाल जी। ठीक है, कहाँ से आए हो? जी आपकी लड़की को देख